आजकल बहुत ही अच्छी अच्छी हरी सब्जियाँ आ रही हैं, तो आप गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च सब ऐड कर सकते हैं। ये मैंने पत्ता गोभी डाली है, अब इसमें गाजर ऐड करूँगी जो कि मैं सब पहले से क्रश करके और चॉप करके रखे हुई हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना बर्बाद हो। और ये प्याज है जिसमें से मैं आधी प्याज डालूँगी, आधी बनाते टाइम डालूँगी। थोड़ा सा साग वाला जो आजकल लहसुन मिल रहा है वो है, तो उसमें से थोड़ा सा डालूँगी यहाँ पर अंदर ताकि उसकी खुशबू आ जाए। और शिमला मिर्च है, आधी शिमला मिर्च चॉप की हुई है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ी सी हरी मिर्च है, इतनी चीज़ मैंने कट करके रखी हुई थी तो ये सारी डाली है। अब हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पिसा मसाला, तो ये नमक प्लस काली मिर्च मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है वो डाला है, मतलब आधा नमक आप अपने जितना सामान है उसी हिसाब से डालिएगा, प्लस काली मिर्च हाफ चम्मच। सामान के हिसाब से बाउल छोटा है इसलिए मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि अभी और भी सामान मिलाना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। टेबल स्पून यूज़ करना है तो दो ही चम्मच है, दो टेबल स्पून मैदा है और दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इससे बाइंडिंग का काम होगा और कुरकुराहट भी आएगी। मिर्च हाफ चम्मच, क्रश कर लेंगे। आधा मैंने अभी क्रश कर लिया, आधा बाद में जब फ्राई करेंगे हम लोग मसाला तब डालेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, इन चीज़ों के गोले बना लेंगे हम, इस तरह से गोले बना लेंगे और ऑयल में फ्राई करेंगे। अब यहाँ हम लोग सॉस बना लेते हैं, जिसमें मैंने डाला है 4 टेबल स्पून टमाटो सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनीगर, अगर विनीगर नहीं है आपके पास तो आप लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स नहीं रह जाए इसमें, ताकि एक छोटा चम्मच शक्कर डाल लेंगे इसमें, बहुत अच्छे से टेस्ट आना था, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जिस ऑयल में हमने सारी पकौड़ियाँ तली थी मंचूरियन बॉल्स तले थे, फ्राई किए थे, जिस ऑयल में हम लोगों ने मंचूरियन बॉल्स को फ्राई किया था उसी ऑयल में अब हम डालेंगे प्याज जो कि मैंने चॉप करके रखी हुई पहले से, लहसुन की पत्ती वाला मैंने लहसुन यूज़ किया है, आप जो भी लहसुन आपके घर है उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरक थोड़ी सी क्रश करके रखी हुई है और हरी मिर्च को डाल के सौते करेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा रेड चिली, 1/4 रेड चिली डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है हमने।
अब इसमें थोड़ी सी गाजर क्रश करके डालेंगे, थोड़ी सी कैबेज और शिमला मिर्च छोटी छोटी चॉप करके, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये जो सॉस बनाकर हमने रखा है कॉर्नफ्लोर में मिक्स करके, इसको डाल देंगे और तेज़ी से चला देंगे। ये सारे बॉल जो फ्राई करके हमने रखे हैं उसको इसमें डाल दिया। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरा हमारा मंचूरियन बनकर रेडी हो गया है खाने के लिए।